स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स बीबीएल टी20 मैच प्रीव्यू। तो बिना देरी किए आप प्रीव्यू शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन दोपहर के 3:45 पर स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करावा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 22 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के कुछ फोटोज हैं, तो आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स की, आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाली है। ये दोस्तों इसी साल की पिच की फोटो है। तो इस पिच की दोस्तों खासियत क्या है, जो पिच है ना दोस्तों ये बैटर फ्रेंडली है। यहाँ पे दोस्तों पहली पारी के अंदर बैटर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इवन दोस्तों दूसरी पारी के अंदर पिच अच्छी रहती है स्टार्टिंग है 10 ओवर तक, फिर बाद में दोस्तों पिच थोड़ी सी यहाँ पे स्लो जाती है। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना जो लास्ट 6 मैच हुए ना उसके अंदर दोस्तों जो टीम बैट फर्स्ट करती है ना वो 5 मैच जीती है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी, जो भी दोस्तों कैप्टन टॉस जीतेगा वो यहाँ पे सबसे पहले बैट फर्स्ट करना पसंद करेगा। क्योंकि दोस्तों इस साल ना इस सोने के ऊपर 2 मैच हुए थे, दोनों के दोनों मैच दोस्तों जो टीम बैट फर्स्ट करी थी वही जीती थी। पिछले मैच दोस्तों हुआ था 22 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स, सेम टीम थी दोस्तों और वहीं पर पर्थ स्कॉचर्स बैट फर्स्ट करते हुए जीती थी। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों पिच के अंदर ना बहुत बढ़िया अपन कह सकते हैं दोस्तों नमी है, रन बनेंगे दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर, फिर बाद में दोस्तों पिच यहाँ पर थोड़ी सी स्लो जाती है, बैटर्स को डिफिकल्टी होती है चेस करते हुए अंडर प्रेशर। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिच को दोस्तों देख सकते हो, बढ़िया पिच रहेगी मेरे हिसाब से, रन बनते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये स्टेडियम का व्यू है, ये स्टेडियम दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। ये दोस्तों फ्यूचर स्टेडियम, हर बार बोलता हूँ आपको ये फ्यूचर स्टेडियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ना ऊपर रूफ लगा हुआ है। जब यहाँ पे बारिश होती है ना स्टेडियम के ऊपर तो क्या होता है, आपको पता है ये रूफ होता है ना, ये दिख रहा है आपको दोस्तों ये रूफ दोस्तों क्लोज हो जाता है, ढक दिया जाता है। तो आप सोचो दोस्तों कितना खूबसूरत स्टेडियम है दोस्तों, ये एक फ्यूचर स्टेडियम है। जब बारिश आती है यहाँ पर तो स्टेडियम दोस्तों क्लोज हो जाता है, ऊपर से रूफ इसकी क्लोज हो जाती है। ये रूफ स्टेडियम है, ठीक है, मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स। तो दोस्तों मजा आने वाला है इस मैच के अंदर। तो वही कहूंगा दोस्तों स्वागत है आप सबका द ग्रैंडेस्ट टी20 लीग इन द वर्ल्ड बिग बैश लीग के अंदर। आप देखो स्टैट्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फोटोज तो मैंने आपको दिखा दी। आप देखो वेन्यू क्या है, मार्वल स्टेडियम डॉकलैंड्स। भाई साहब डॉकलैंड्स कहाँ पड़ते हैं, मेलबर्न के अंदर। टीम का नाम क्या है, मेलबर्न रेनेगेड्स। तो भाई साहब होम ग्राउंड है किसका, मार्वल स्टेडियम इज होम ग्राउंड ऑफ मेलबर्न रेनेगेड्स। अब देखो सोने के ऊपर ना मेलबर्न रेनेगेड्स ने 44 मैचेस खेले, 15 मैच जीते हैं दोस्तों, ज्यादा हारे हैं यहाँ पर, तो चिंता की बात है इस टीम के लिए। वहीं पर्थ स्कॉचर्स यहाँ पे 8 मैच खेली और दोस्तों 7 मैच जीती है। पिछला मैच भी दोस्तों पर्थ स्कॉचर्स ने ही जीता था। तो पर्थ स्कॉचर्स के बाद दोस्तों बहुत तगड़ा स्क्वाड है, तगड़े प्लेयर्स है, मैच विनर्स है। अब बात करेंगे जो टीम बैट फर्स्ट करती है 5 मैच जीती है, जो टीम चेस करती है मात्र 1 मैच जीती आउट ऑफ लास्ट 6 गेम्स। औसतन स्कोर 142-180 बनता है, दिखता हमेशा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे लास्ट 6 मैच के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, पेसर्स मतलब होता है तेज गेंदबाजों ने यहाँ पर 57 विकेट्स निकाले, पहली बारी में 27 है, दूसरी बारी के अंदर 30 विकेट्स है। अब देखो राइट आर्म पेसर्स के 48 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 9 विकेट्स है। बात करते हैं स्पिनर्स की, जो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 6 मैच के अंदर 26 विकेट निकाले हैं, पहली पारी में 11 है, दूसरी पारी के अंदर 15 विकेट्स हैं। अब देखो यहाँ पे किस टाइप के स्पिनर्स विकेट निकालते हैं, तो भाई साहब लेग स्पिनर्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा किसके अंदर, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर, छोटे फॉर्मेट के अंदर 15 विकेट्स है लेग स्पिनर्स के। यहाँ पर ऑफ स्पिनर्स के 2, लेफ्ट आर्म चेयरमैन के 5 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 4 विकेट है। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ना पहली पारी के अंदर पेसर और स्पिनर ने कितने विकेट निकाले, तेज गेंदबाज और स्पिनर ने, तो कुल मिला के 27 और 11 कितना होता है, होता भाई साहब यहाँ पे 38 विकेट है। ठीक है, पेसर और स्पिनर मिला के पहली बारी में। बात करते हैं दूसरी बारी के अंदर क्या हो रहा है, 30 और 15 45। तो आप समझ सकते हो दूसरी बारी में तो ज्यादा विकेट गिरते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स, जो लास्ट मैच हुआ था मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स, सेम टीम थी, 22 दिसंबर की बात है। तो उसके अंदर 7 विकेट पेसर्स के थे, 3 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स के थे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दोस्तों आपको पता है ना मैच बताऊँ कहाँ होता, ये मैच दोस्तों होता अपने ऑप्टा स्टेडियम पर्थ के अंदर, लेकिन आपको बताया रहेगा
पर्थ के अंदर दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना लॉकडाउन लगा हुआ है। वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ पे दोस्तों कोई एंट्री नहीं कर सकता, उसको पूरा अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों वहाँ पे एंटर कर सकता है दोबारा। तो वहाँ के दोस्तों रूल्स बहुत ज़्यादा टेडेंस लिए आपको बता रहेगा। जो फिफ्थ टेस्ट है ना, जो कहाँ चला गया, ब्लेंडस्टोन अरीना हॉबर्ट के ऊपर चला गया है, उस वेन्यू के ऊपर। ठीक है, सनी वेदर यार, वेदर फोकस्ट की दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे बारिश आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, बात करेंगे दोस्तों न्यूज़ की। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। मेलबर्न रेनेगेड्स ने स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक चेंज करा है, जेम्स श्योमुर को बाहर करा गया है और यहाँ पे जोनाथन मेरलो को स्क्वाड के अंदर बुलाया गया है। पर स्कॉचेस कोई चिंता की बात नहीं है। और दोस्तों जो शॉन मार्श है 3 तारीख को खेलेंगे शायद तक, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो वो शायद खेलेंगे नहीं, स्क्वाड के साथ तो जुड़ गए हैं। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस में 15 मैच खेले हैं, पर स्कॉचेस 12 जीती है, रेनेगेड्स 3 जीती है मेलबर्न। बात करेंगे यहाँ पे लाइनअप्स की, तो मेलबर्न रेनेगेड्स इस साल वॉन लॉस लॉस लॉस। एरन फिंच यहाँ पे ओपन करते हैं मैकेंजी आर्वी के साथ, निक मैंडिसन कैप्टनसी कर रहे हैं, 1 डाउन है, लेफ्टी बैटर प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, शेम आपर विकेट कीपर बैटर, जैक फ्रेसर एम सिगर, मोहम्मद नबी, विल सदरलैंड, पैटिनसन, केन रिचर्डसन, जहीर खान, रीस टोपली आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे। चलेंगे दोस्तों यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज बताता हूँ कौन रहेगा, पैटिनसन, रिचर्डसन, जहीर खान जो लेफ्ट आर्म चेयरमैन है, रीस टोपली, 5 ओवर होगा, नबी और विल सदरलैंड और निक मैडिसन भी हो सकते हैं, कैप्टनसी करें यार उस साल। पर स्कॉचेस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है पॉइंट्स टेबल के ऊपर, इसमें दोस्तों मैच विनर्स है, 5 के 5 मैच जीती है। क्यूर्टिस पैटरसन दोस्तों फिट हो जाएंगे, इस मैच के लिए ओपन करेंगे, जोश इंग्लिश के साथ, 1 डाउन मिच मार्श है, कॉलिन मनरो 2 डाउन है, एस्टन टर्नर है, कैप्टनसी करें, लॉरी वांस है, एस्टन एगार है, एंड्रू टाई है, बैरनडॉफ है, मिल्स है, पीटर डिज़गुल्लू है, यानी कि दोस्तों जो सारे फॉरन प्लेयर्स हैं वो चल रहे हैं। मिल्स दोस्तों अपने पहले मैच में चले, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, दूसरे आपको बताया दोस्तों लॉरी वांस तगड़े खिलाड़ी हैं, लास्ट मैच में भी बहुत अच्छी नॉक खेली, कॉलिन मनरो शतक जड़ चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ, तो इनके दोस्तों ओवरसीज प्लेयर भी चल रहे हैं, इनके जो प्लेयर्स हैं मिच मार्च वो सब फॉर्म के अंदर आई, तो दोस्तों तगड़ी टीम है ये। अब देखो यहाँ पे गिव अवे मिच मार्च के ऊपर कमेंट कर देना है, और बस आपको कमेंट करना है मिच मार्च कितने रन बनाएंगे। जो लोग चैनल पर यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे, आपसे कहूंगा। अब देखो एरन फिंच जब खेलते हैं अगेंस्ट पर्थ स्कॉचेस, 14 मैच खेले 24 के औसत है, 332 रन है, बैट फर्स्ट 72-49-24-8-200, चेस के ऊपर देखो 35-28-15-15-8-8-68, हेड टू हेड स्टैट्स आर एवरेज, बट हिज वेन्यू स्टैट्स आर इनसेन। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वेन्यू स्टैट्स क्या हैं, आपने पिछले वीडियो देखा रहेगा, आपको पता ही रहेगा हर चीज़। वैसे भी मैकेंजी आर्वी ने 2 मैच खेले हैं, पर स्कॉचेस के खिलाफ 38-0 है, 2 मैच खेल के 38 बैट फर्स्ट था, 0 चेस के ऊपर था। और ये वैसे दोस्तों T20 करियर के अंदर ना जब ओपन करते हैं तो उनका बैट फर्स्ट के अंदर ज़्यादा अच्छी एवरेज है, कुछ मैंने पढ़ा था दोस्तों बैट फर्स्ट में कुछ 22-30 की एवरेज है और बैट सेकंड में कुछ 16 की ऐसे कुछ एवरेज थी। ठीक है, बस दोस्तों मैंने एक बार देखा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम जब मैच हुआ था तब उसको एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। निक मैडिसन 16 मैच 21 की एवरेज है, 293 रन है अगेंस्ट पर स्कॉचेस, हेड टू हेड मैचेस के ऊपर बात कर रहे हैं, बैट फर्स्ट 49-31-30-19-3-2-2-1, चेस के ऊपर 36-18-16-10-8-2, लास्ट मैच में 67 करा था दोस्तों अपने बर्थडे के जस्ट नेक्स्ट दिन। शेम आप पर आएंगे यहाँ पर 7 मैच 170 रन 28 के औसत है, दोस्तों नीचे खेल रहे हैं यार, अब तो इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है इनकी, बैट फर्स्ट 73-37 है, चेस के ऊपर 36-15-15-4-0 नाबाद लास्ट मैच में रहे थे, बहुत नीचे आए थे। जैक फ्रेसर एम सी गर्क 2 मैच 30 रन है, अच्छे खिलाड़ी हैं। नबी का 6 मैच में 70 रन है, 2 विकेट्स है, लास्ट मैच दोस्तों बहुत निराश हुए थे जब इनको LBW दिया गया था, वो नॉट आउट था मेरे हिसाब से, इवन दोस्तों अपनी टीम में नहीं थे लेकिन दोस्तों लगता है यार कि जो प्लेयर थे यार वो दिल से तो नॉट आउट थे यार, उसको आउट दे दिया, तो दोस्तों ऐसा हुआ था इनके साथ। नबी बैट फर्स्ट 17-13 चेस के ऊपर 35-5-0 है अगेंस्ट पर्थ स्कॉचेस। विल सदरलैंड आएंगे यहाँ पे 3 मैच 22 रन है, हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट है। पैटिनसन इनका हेड टू हेड के अंदर बॉल फर्स्ट करते हर बार खेला है और इनका 3 मैच के अंदर 2 विकेट्स हैं, हर बार क्या करा है बॉल फर्स्ट करा है। केन रिचर्डसन वर्ल्ड क्लास बॉलर है दोस्तों, उनको पता है कैसे गेम को खींचना है दोस्तों, कैसे ड्रैगन करना है गेम को, ड्रैगन ठीक है। 15 मैच 25 विकेट्स हैं हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट के अंदर 20 विकेट है 12 मैचेस के अंदर, लास्ट मैच में तो 3 विकेट हॉल निकाला ही था, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैच में 5 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेटलेस भी गए। रीस टोपली हेड टू हेड के अंदर 0 विकेट था बॉल फर्स्ट करते हुए, मतलब भाई साहब इसके 3 ओवर के अंदर ना स्टार्टिंग के अंदर कुछ 17-18 रन आए थे ठीक है, आखिरी ओवर में भाई साहब ने कुछ 20 रन पिटवा दिए थे, तो बहुत तगड़ा धोया था वहाँ पे किसने, जो अपने लॉरी वांस थे, नो बॉल भी बहुत डाली थी यार इन्होंने, रीस टोपली ने 2 बैक टू बैक नो बॉल डाली थी, मतलब एक ही ओवर के अंदर, बैक टू बैक नहीं मतलब एक ओवर में डाली थी। जहीर खान आएंगे यहाँ पर, इनका 3 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, हर बार बॉल फर्स्ट करा है जब भी खेला है पर्थ स्कॉचेस के खिलाफ। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों स्टार्टिंग ओवर, रीस टोपली, केन रिचर्डसन, जेम्स पैटिनसन, कभी कभी निक मैडिसन भी आ जाते हैं, डेथ में केन है, टोपली है, पैटिनसन है, 3 नाम कंफर्म रहते हैं। पावर सर्ज में दोस्तों आते हैं केन रिचर्डसन, रीस टोपली, हमेशा 2 नाम कंफर्म रहते हैं पावर सर्ज के अंदर। पर्थ स्कॉचेस की बात करते हैं, कर्टिस पैटिनसन
तीन मैच खेला है अगेंस्ट मेलबर्न रेनेगेड्स, तीन रन है, दो ही बार बैट करा, दोनों बार चेस करते हुए 3.0। जोश इंग्लिश 7 मैच में 155 रन है, 31 के औसत है दोस्तों। अभी तक दो मैच खेले हैं, तीन मैच खेला थे जोश इंग्लिश ने, अभी तक दोस्तों फ्लॉप हुए हैं, पता नहीं कब चलेंगे भाई साहब। बैट फर्स्ट 72-14-9-2, चेस के ऊपर 51-7 है। तो दोस्तों वर्ल्ड क्लास बैटर सब जानते हैं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर थे दोस्तों, इनको एलेक्स करी के ऊपर प्रीफर करा गया था। मिच मार्श 10 मैच में 263 रन, 33 के औसत है दोस्तों। इन फॉर्म, फॉर्म हमेशा ऊपर होता है दोस्तों, स्टैट्स के मैं हमेशा वही कहूंगा। बैट फर्स्ट 56 नाबाद 17 16 7 नाबाद 3 86, चेस के ऊपर 34 21 18 5, बॉलिंग से 4 विकेट्स हैं। लास्ट मैच भी विकेट निकाला था, ब्रेक थ्रू लाया था नेक मेडिसन को आउट करके। कॉलिन मंडो 3 मैच खेले, 72 रन है अगेंस्ट दिस टीम, हर बार बैट फर्स्ट करा है 52-0-20। लॉरी वांस का 42 नॉट आउट, मात्र 16 गेंद में निकाला था, 16-18 बॉल के अंदर। क्या प्लेयर है दोस्तों ये, आई थिंक आपको दोस्तों ये इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर भी दिखेगा दोस्तों थोड़े दिनों के अंदर, क्योंकि ये प्लेयर है ना दोस्तों, खास प्लेयर है, अलग प्लेयर है। एलपीएल के अंदर भी अच्छा करा था, लंकन प्रीमियर लीग के अंदर लास्ट ईयर दोस्तों मुझे याद है, इनके पेट में बॉल लगी थी, कुछ सेमीफाइनल जैसा मैच था एक, ठीक है, याद है ना दोस्तों आप लोगों को। अपने शायद वो कवर तो करा नहीं था, लेकिन दोस्तों मैंने मैच तो जरूर देखा था पूरा, कोई भी दोस्तों मैच अपन कवर करे या ना करे, लेकिन दोस्तों देखना बनता ही है, क्योंकि दिस गेम इज वर्ल्ड क्लास लीजेंडरी गेम। एंड एस्टन टर्नर 12 मैच के अंदर 24 का औसत है, 193 रन है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा दोस्तों, आते हिटिंग करते हैं। एस्टन अगार 9 मैचों में 7 विकेट है, 7 पारी में बॉलिंग कराई है, बॉल फर्स्ट के अंदर 4 मैचों में 1 विकेट है, बॉल सेकंड में अद्भुत स्टार्ट्स हैं, 6 विकेट है 4 मैचों में, एक मैच के अंदर विकेट लेस है। ऑलराउंडर पॉइंट्स दे देते हैं, एंड्रयू डाय 11 मैच में 12 विकेट्स है, बॉल फर्स्ट के अंदर 9 विकेट है 6 मैचों में, बॉल सेकंड के अंदर 5 मैच में 3 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर भी विकेट लेस गए थे बॉल सेकंड करते हुए। बरेंडॉफ 9 मैच 12 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 में 2, बॉल सेकंड के अंदर 7 मैचों में 10 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेट लेस गए, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। मिल्स दोस्तों 2 मैच खेले आज तक मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ, दोनों बार विकेट लेस, बॉल सेकंड करते हुए। पीटर अर्ज़ोगुल्लू एक्स प्लेयर है मेलबर्न रेनेगेड्स के, 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए आउट करा था शायद उन्होंने दोस्तों किसको, जैक फ्रेसर एमसी गर्व थे शायद, लास्ट ओवर में आउट करा था ना। स्टार्टिंग ओवर बरेंडॉफ, मिल्स एजिटाई, डेथ ओवर में एजिटाई, मिल्स है, बरेंडॉफ है, और दोस्तों पावर सर्व में एंड्रयू टाई, 10 मैन मिल्स है। मैंने स्टेट्स की बात करते हैं, जब इस स्वैनी के ऊपर मैचेस हुए तो क्या हुआ है, फिंच 32 मैच 1182 रन है, 44 की औसत है, बैट फर्स्ट 35 की एवरेज है, बैट फर्स्ट में भी इसने 16 मैच खेले, बैट सेकंड में भी 16 मैच खेले, दोनों में बराबर है, ठीक है, ना इंसाफी नहीं करी भाई साहब ने, ठीक है। अब देखो बैट फर्स्ट में 521 रन है, बैट सेकंड के अंदर 674 रन है, मतलब 150 रन ज्यादा है बैट सेकंड के अंदर। मैकेंजी आरवी 9 मैच 169 रन है, बैट फर्स्ट 14-8-56, चेस के ऊपर 47-30-7-5-2-0, चेस में कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है। शैम पर 16 मैच 314 रन, 22 के औसत है, ठीक ठाक प्लेयर है दोस्तों, अपने दिन के हिसाब से चलता है। निको मैडिसन 7 मैच 162 रन है, 23 के औसत है, बैट फर्स्ट 19-21-3, चेस के ऊपर 19-17-6-66 है। जैक फ्रेसर एमसी गर्ग 3 मैच 47 रन है, नबी दोस्तों यहाँ पे अच्छा करते हैं आमतौर पर यार, 12 मैच के अंदर 282 रन से 7 विकेट है, बॉलिंग से बैट फर्स्ट 36-28-13-12, चेस के ऊपर 63-38 नॉट आउट, 35-26 नॉट आउट, 23-80। विल सदरलैंड 8 मैच में 6 विकेट है, पैटिंसन दोस्तों अच्छा करते हैं यहाँ पे, 12 मैचों में 15 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 10 विकेट है 6 मैच में, बॉल सेकंड 6 मैचों में 5 विकेट है, और ये 4 मैच के अंदर विकेट लग गए हैं। केन रिचर्डसन 18 मैच 26 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 18 विकेट है 10 मैचों में मात्र, बॉल सेकंड 8 में 8, 6 मैचेस के अंदर विकेट लेस है। जहीर खान का यहाँ पे बॉल सेकंड करते हुए ना 2 मैचों में 4 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए 1 मैच में 0 विकेट हो गए भाई साहब, 3 मैचों में 4 विकेट। क्रिस टोपली 1 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए, 0 विकेट बॉल फर्स्ट करते हुए। पर स्कॉचेस की बात करते हैं, मनरो भाई साहब का 82 था, 5 था, 20 था, 3 मैचेस में बैट फर्स्ट करते हुए। कोर्डस पैटरसन ने 2 मैच खेले, बैट सिर्फ 1 बार करा था, डक पे आउट हुए थे चेस करते हुए। मिच मार्श 5 मैच 148 रन है, बैट फर्स्ट 7-3-86 है, चेस के ऊपर 34-18 है, बॉलिंग से 2 विकेट है। जोश इंग्लिश 4 मैच में 92 रन है, अच्छे स्टैट्स यार, तगड़े प्लेयर है। टर्नर भी दोस्तों ठीक ठाक करें, 7 मैच में 84 रन है, एगार का 5 मैच में 4, एंड्रयू टाई का 8 मैचों में 9 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 6 विकेट 4 मैच में, बॉल सेकंड के अंदर 3 विकेट है 4 मैचों में। बरेंडॉफ 5 मैच में 9 विकेट है, लास्ट मैच में दोस्तों 2 कैच पकड़े, 1 बोल्ड करा, तो 24 पॉइंट तो उसने बोनस दे दिया था, 1 विकेट बोल्ड का था, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं हमेशा जब भी खेलते हैं इस टीम के खिलाफ एट दिस वेन्यू। बॉल फर्स्ट 1 मैच में 2, बॉल सेकंड 4 मैचों में 7 विकेट है, लेकिन दोस्तों इनके ऊपर थोड़ा सा चिंता की बात यह है कि आजकल मिच मार्श बॉलिंग कर रहे थे, उनके ओवर्स कट जाते हैं। मिल्स 0 विकेट है बॉल सेकंड करते हुए, पीटर अर्ज़ोगुल्लू का यहाँ पे 3 मैचेस में 4 विकेट है। मैचअप्स की बात करते हैं, एंड्रयू टाई का स्ट्रगल है दोस्तों, मैकेंजी आरवी का स्ट्रगल एंड्रयू टाई के सामने, 3 गेंद 2 रन, बरेंडॉफ के सामने 17 गेंद 18 रन, एक बार आउट हुए। लास्ट मैच में दोस्तों क्या बोल्ड करा था यार, बॉल ना पड़ने के बाद बाहर गई थी, आई थिंक सीम मूवमेंट था थोड़ा सा, स्विंग तो शायद ही हुआ था, स्विंग इतना ज्यादा नहीं हुआ था। एस्टन
एगार ने दोस्तों एरन फिंच को दोबारा आउट करा है, लास्ट टाइम इन्होंने आउट करा था एस्टन एगार ने, 22 गेंद 27 रन दोबारा आउट करा, दोनों बार दूसरी पारी में आउट करा है। एंड्रू टाई भी परेशान करते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी याद है एरन फिंच ने एंड्रू टाई को भाई पावर सर्क के अंदर कितना तगड़ा दोस्तों आड़ा तिरछा लिया था। फिर आएंगे यहाँ पे दोस्तों निक मैडिसन, सबके सामने थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल है दोस्तों, ऐसा कोई खास स्ट्रगल नहीं है। और शेम अपर आएंगे यहाँ पर, इनका दोस्तों किसी के सामने कोई खास स्ट्रगल नहीं है। मोहम्मद नबी वर्सेस एस्टन एगार, 7 गेंद 2 रन दोबारा आउट कराया, दोनों बार दूसरी पारी में आउट कराया। आएंगे दोस्तों मिल्स, इन्होंने भी आउट कर रखा है 10 गेंद में 9 रन देके। भाई साहब उन्मुख चंद कब दिखेंगे यार, मैं ये सोच रहा हूँ। आधा टूर्नामेंट हो गया यार, आपने एक इंडियन प्लेयर को साइन कराया यार, एक मैच तो खिला लो भाई साहब। कॉलिन मनरो की बात करते हैं यहाँ पे, आपको दोस्तों क्या राय है, उन्मुख चंद को खिलाना चाहिए यार नहीं खिलाना चाहिए? इंडियन स्टार प्लेयर था यार, अंडर 19 की कैप्टनसी कर चुका है, जिसके अंदर दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर खेले थे। कॉलिन मनरो वर्सेस केन रिचर्डसन, 15 गेंद 19 रन दोबारा आउट कराया, दोनों बार पहली पारी में आउट कराया। लास्ट मैच में उन्होंने आउट करा था। नबी के सामने दोस्तों परेशान हुए थे कॉलिन मनरो, आपको पहले कह दूं नबी के सामने कॉलिन मनरो स्ट्रगल कर रहे थे। कर्टिस पैटरसन वर्सेस लेलोर, शायद ही खेलेंगे यार, लेलोर तो स्क्वाड में ही नहीं है। मिच मार्च वर्सेस केन रिचर्डसन, एक बार आउट करा, टोपली ने एक बार आउट करा। आएंगे जोश इंग्लिश, इनका स्ट्रगल है केन रिचर्डसन के सामने, 23 गेंद 32 रन 3 बार आउट करा। और दोस्तों दिक्कत है यार, लास्ट मैच तो पैटिनसन ने आउट करा था, सेटअप करा था इनको। एस्टन टर्नर वर्सेस केन रिचर्डसन, 33 गेंद 59 रन 4 बार आउट करा, लास्ट टाइम इन्होंने आउट करा था। बैनक्रॉफ्ट वर्सेस केन वर्सेस विल सदरलैंड, कॉमन कैप्टन फिंच, मिच मार्च बड़ी लीग्स में बनाओ मिच मार्च को, एरन फिंच को। नबी दोस्तों थोड़े से डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, बाई चांस इनका दिन हुआ तो। जशो इंग्लिश भी अच्छे विकल्प है, अलग जाना है, मिल्स को ट्राई करना, केन रिचर्डसन एजेट आए। बात करेंगे टीम्स की, क्या रहने वाली यहाँ पे टीम्स। यहाँ पर दोस्तों कैप्टन है मिच मार्श, वाइस कैप्टन यहाँ पे एरन फिंच है। आप दोस्तों कर सकते हो केन रिचर्डसन को, जैसे अपने लास्ट टाइम करा था, अगर यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स पहले गेंदबाजी करती हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 10 ओवर के अंदर मुश्किल से एक ओवर डालता है, फिर एक ओवर ये पावर सर्ज में डाल देते हैं, दो डेप्थ ओवर में डाल देते हैं, तो दोस्तों इनको ज़्यादा विकेट्स मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास सारे बॉलर्स हैं, किसके पर स्कॉचर्स के, ठीक है। जो टीम दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तो स्क्वाड दोस्तों वैसे आप जानते हो स्कॉचर्स का है, फेवरेट दोस्तों वही रहेगी, चाहे बैट फर्स्ट करे चाहे बैट सेकंड करे। अगर दोस्तों पर स्कॉचर्स बैट सेकंड कर दिए ना, तो फिर थोड़ा सा मैच टफ हो जाएगा पर स्कॉचर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वही दोस्तों रीजन था। मेडिसन हावी यहाँ पे, आप देखो बड़ी लीग्स में करना है, रिस्क लेने से नहीं डरना है दोस्तों, वही कहूँगा लाइफ में कुछ बड़ा पाना है ना आपको, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं करा हो, ठीक है, तभी तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे, ठीक है। तो टेक रिस्क, दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। बैनग्राउंड दोस्तों शायद ही खेलेंगे, शायद यहाँ पर नीचे खेल रहे हैं यार, इंग्लिश एक अच्छे विकल्प है फिर से। आएंगे यहाँ पे एरन फिंच, टॉप क्लास प्लेयर, मेडिसन दोस्तों टॉप क्लास प्लेयर है, हार्वी दोस्तों एक अच्छे खिलाड़ी है, टेक्निक सही है इनके। कर्टिस पैटरसन अगर खेलेंगे तो आप ले लेंगे। मनरो नीचे खेल रहे हैं, ये भी दोस्तों एक वर्ल्ड क्लास बैटर है, पावर सर के अंदर आके आराम से 20-25 रन बना के जा सकते हैं। लॉरी वांस, क्या ही बताऊं दोस्तों इस बंदे के बारे में, अलग लेवल का प्लेयर है दोस्तों, लेकिन नीचे खेलता है, बस दिक्कत हुई है दोस्तों। अगर वन डाउन खिला लेते यार तो बढ़िया रहता है उसको, या टू डाउन खिला लेते तो, लेकिन क्या बोले अब यहाँ पे। मिच मार्च टॉप क्लास प्लेयर, एस्टन एगार दोस्तों बॉल सेकंड में इंपॉर्टेंट, बॉल फर्स्ट में आप ड्रॉप भी कर सकते हो। नबी दोस्तों इस मैच में चल सकते हैं यार, इनका मूड रहेगा कि भाई मैं भी परफॉर्मेंस दूं, अब तक मैं कितने मैच खेल चुका हूं, मैंने किसी भी मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिया, 4 मैच खेला हूं मैं अभी तक, ऐसा सोच रहे रहेंगे अपने बारे में। रिचर्डसन इंपॉर्टेंट है, टाई दोस्तों एक अच्छे विकल्प है बॉल फर्स्ट के अंदर, बेरेंडोफ दोस्तों यहाँ पे अच्छे विकल्प दोनों पारियों में, ज़हीर खान बॉल सेकंड में ट्राई कर सकते हो, पैटिनसन बॉल फर्स्ट के अंदर, मिल दोस्तों दोनों पारियों में, टोपली दोस्तों बॉल फर्स्ट के अंदर ट्राई कर सकते हो, पर पीटर को दोस्तों दोनों पारियों में ट्राई कर सकते हो, और कोई तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। चैनल पे न्यू तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन कर दो, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, आपसे ही कहूँगा मैंने दोस्तों आपके लिए मिशन करता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आज मैं यूट्यूब के ऊपर हूँ ना, सिर्फ दोस्तों आपके दम के ऊपर हूँ मैं। अगर दोस्तों आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप दोस्तों वीडियो नहीं देखते, तो मेरी क्या हैसियत रहती है, ठीक है। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, आई ऑलवेज लव यू, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, ये कहूँगा आपको। मिलते हैं दोस्तों अगली दफ़ा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।